देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में बेदिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर सभी कांग्रेसियों ने उन्हें नमन किया है तथा श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उन्होंने किस तरह से देश को एकता व अखंडता में बांधकर एकजुट किया तथा देश में औद्योगिक कारखाने को खोलकर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था। उन्होंने देश में गंगा जमुनी तहजीब व देश के किसानों नौजवानों के लिए विकास का रास्ता खोला था। ऐसे प्रधानमंत्री को हम सब नमन करते हैं तथा संकल्प लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिखाए मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करेंगे। इस अवसर पर महानगर उपाध्यक्ष रोहन पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, आशुतोष तिवारी अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय गोरखपुर पर हम सभी कांग्रेस जन उनको नमन कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से इस देश को एकता और अखंडता की लड़ी में बांधकर देश में समरसता लाकर देश के कृषि को देश के औद्योगिक कारखानों में को खोलकर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था। जिस तरह से उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को और देश के नौजवानों किसानों महिलाओं सबके लिए जो है विकास का खाका बनाया था, आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी के आदर्शों पर चलकर एक बार फिर से इस देश को एकता और अखंडता के लड़ी में बांधने का कार्य करेंगे। उनके रास्ते पर चलकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से हम लोग एक बार गंगा जमुनी तहजीब लाते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे और जिस तरह से वर्तमान सरकार देश को बांट करके धर्म की राजनीति करके महंगाई जनता पर लादी है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, जो सरकार मस्त है, इन सब लोगों को जो है आईना दिखाते हुए नेहरू जी ने जो सबका साथ और सबको एक साथ ले चलने का रास्ता दिखाया था इस देश में, उसको फिर से लागू करके हम सभी कांग्रेस जन आम जनता के साथ मिलकर इस प्रदेश में इस देश में एक नई दिशा और दशा तय करने का काम करेंगे। हम एक बार फिर से जो है पंडित नेहरू जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का वादा करते हैं।